हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड वीडियो, एक्चुअली फोर्थ वीडियो, फिफ्थ वीडियो बोल सकते हैं इसको, हमारे केमिकल बॉन्डिंग का। तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग हमारे इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। बट गाइस, इस चैप्टर को अगेन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देना चाहूँगा। अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप यूट्यूब पर जैसे मेरे वीडियोज देखते हैं, आप अन अकेडमी लर्नर ऐप को डाउनलोड कीजिए। अन अकेडमी लर्नर ऐप पर आप मृत्युंजय पंड्या सर्च कीजिए, आपको उसके ऊपर मेरे प्रोफाइल दिखेगा। अभी राइट नाउ हमने उस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के 10 लेसन्स पब्लिश कर दिए हैं विथ माय हैंड रिटन नोट्स। तो वो स्टूडेंट्स जिनको मेरे नोट्स की रिक्वायरमेंट थी, प्लीज़ उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसको उस पर मुझे फॉलो कीजिए, उन वीडियोज़ को भी लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और यूट्यूब के बारे में भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि गाइस, अगर आपको मेरे YouTube के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करो, इस पर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और इसी तरीके से आप मेरा को मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, हम हमारे टॉपिक पर यहां पर वापस आएंगे और इस टॉपिक में हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा दिए थे, जिसमें मैंने आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड इंथैल्पी और लेटाइस इंथैल्पी बता दी थी। अब इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिनोमिनन विच इज कॉल्ड एस रेजोनेंस। हम इसको बोलेंगे रेजोनेंस। तो देखो, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल पहले करके बताऊंगा। लेट्स से मुझे ओजोन का एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं ओजोन का जो लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाता हूं, एज यू ऑल नो, हम इस तरीके से दो बॉन्ड्स बनाकर एक ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देते हैं, ये इसके लोन पेयर बना देते हैं। यहां पर एक बॉन्ड इस तरीके से कनेक्ट होगा, यहां पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने आपके ओजोन का एक बेटा मॉलिक्यूल बनाया। बट होता क्या है कि जब हम लोग लुइस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से एक मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो ये अकेला मॉलिक्यूल ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। ये अकेला मॉलिक्यूल ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। दूसरी चीज ये कि अगर आप इस ऑक्सीजन को 1 मानते हो, इस ऑक्सीजन को 2 और इसको 3, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए। दैट मींस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन, और रियली सॉरी ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए। यहां पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखे, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखे और यहां पर आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखे। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या हुआ है, इन दोनों स्ट्रक्चर में बॉन्ड्स ने अपनी पोजीशन बदल ली है। तो ये ओजोन का स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा और ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा, लेकिन इन दोनों प्रॉपर्टीज, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने के बावजूद हमें ओजोन का एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। कैसे, एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूं। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में, यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 148 पिकोमीटर्स, तो इसकी भी बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, 148 पिकोमीटर्स। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनता है तो इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 121 पिकोमीटर्स और इसकी भी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 121 पिकोमीटर्स। तो आप देखो, आप बात को समझो कि एक बॉन्ड लेंथ 148 और एक बॉन्ड लेंथ 121 की ओजोन में होनी चाहिए, बट जब आप रियल ओजोन के स्ट्रक्चर को देखते हो, जब हम एक रियल ओजोन के स्ट्रक्चर को बनाकर देखते हैं, जिसको मैं यहां पर बनाकर आपको बताने वाला हूं, तो इन स्ट्रक्चर के अंदर, ओजोन के रियल स्ट्रक्चर के अंदर, यहां पर जब हम बॉन्ड बनाएंगे तो इन दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ना तो 148 होगी ना वो 121 होगी, वो इसका इंटरमीडिएट होगी, दैट इज 128 पिकोमीटर्स। एंड इनफैक्ट दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ एक जैसी होगी, 128 पिको
मीटर्स। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक इस तरीके का हाइपोथेटिकल, किस तरीके का, इट इज एन हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बनाकर, एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनाकर अपने ओजोन की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बॉन्ड लेंथ सिखाता है कि जब सिंगल बॉन्ड होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन में तो 148 पिकोमीटर्स, और जब डबल बॉन्ड होगा तो 121 पिकोमीटर्स। मतलब कि लुइस स्ट्रक्चर ये वाला और ये वाला आपके ओजोन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा है। देयरफॉर हमें हाइपोथेटिकल तरीके से एक नया स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जो इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। तो ये एक हाइपोथेटिकल हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसको हम लोग एक और नाम देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू का हाइब्रिड है। एंड दिस फिनोमिनन, जिसमें कि आपको एक तरफ बॉन्ड इधर दिख रहा है, एक तरफ बॉन्ड इधर दिख रहा है, और हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दिया जिसमें ये डैश 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 लाइन शो कर रही है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है ये इन ऑक्सीजन के बीच में घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। एंड दैट प्रॉपर्टी इन विच आपका पाई बॉन्ड, क्या मैं इन डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोल सकता हूं, तो ये आपका जो पाई बॉन्ड है ये डीलोकलाइज्ड रहेगा, पार्शियली घूमता रहेगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, एंड दैट फिनोमिनन इज नोन एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के बारे में क्या बात ध्यान रखेंगे हम लोग गाइस, रेजोनेंस के बारे में बेटा क्या ध्यान रखोगे आप लोग, रेजोनेंस का इस्तेमाल कब होता है, जब कभी भी आप किसी एक मॉलिक्यूल के एक लुइस स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, दूसरा लुइस स्ट्रक्चर बनाओगे उसी मॉलिक्यूल का, फिर प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों के स्ट्रक्चर को हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाकर बताओगे तो वो आपको पूरी प्रॉपर्टी शो कर बताएगा, एंड दैट इंटरमीडिएट और हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या आपको मेरा एग्जांपल समझ में आया, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं आपको रेजोनेंस में और करके बताऊंगा फटाफट से, बिना टाइम को वेस्ट किए। आप लोगों की एग्जाम्स आने वाली है, जैसा बच्चे मुझे यूट्यूब पर कमेंट्स पर बोलते हैं हमारी एग्जाम आ रही है एग्जाम आ रही है, तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट करें इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, और मैं आपके सामने एक बेंजीन का स्ट्रक्चर भी आपको बनाकर बताता हूँ। देखिए बेंजीन में आपको पता है 6 कार्बन होते हैं इस तरीके से, मैं इन कार्बन को नाम दूंगा कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। पहले मैं बोलता हूँ कि इस कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर मैं कहूँगा कार्बन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, और फिर मैं कहूँगा कार्बन 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन कार्बन 1 एंड 2, 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। लेकिन ये अकेला स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया, अगेन ये कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। अब मैं करता हूं डबल बॉन्डिंग इन बिटवीन कार्बन 2 एंड 3, डबल बॉन्डिंग इन बिटवीन कार्बन 2 एंड 3, 4 एंड 5, 6 एंड 1। तो आप देख रहे हो हमने यहां पर क्या किया है, कार्बन के अंदर बॉन्डिंग कैसे करी है, पहले बॉन्डिंग 1 2 के बीच में, फिर 2 3 के बीच में, फिर 3 4 के बीच में, फिर 4 5 के बीच में, फिर 5 6 के बीच में, फिर 6 1 के बीच में। तो अगेन ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के आपके प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को यहां पर किस चीज की जरूरत है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। तो हम लोग यहां पर बनाएंगे एक रेजोनेटिंग एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें आपको एक बेंजीन रिंग तो दिखेगी लेकिन बीच में आपको इस तरीके से डॉटेड लाइन से एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और ये सर्कल क्या शो करेगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ये क्या कहलाते हैं, दीज ऑल आर कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड्स, और ये जो सर्कल दिखा रहा है ये क्या बता रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, देखिए जब भी कार्बन कार्बन के बीच में कोई सिंगल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर हो जाती है, और जब भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ डबल हो जाती है तो बॉन्ड लेंथ 133 पिकोमीटर हो जाती है।
तो यहां पर भी आपको 133 पिकोमीटर देखने को मिलेगा। तो यहां 133, यहां 133, यहां 133, यहां 154, यहां 154, यहां 154, यहां पर भी 154, 133, 133, 154, 133, 154। लेकिन जब आप बेंजीन के इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको बॉन्ड लेंथ देखने को मिलेगी 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर, 139 पिकोमीटर एंड 139 पिकोमीटर, मतलब चारों छहों तरफ बॉन्ड लेंथ एक जैसी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ सिमिलर हो जाएगी, एंड दैट विल बी द एक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। तो हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया। अब यह हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेंजीन की सारी प्रॉपर्टी को बता रहा है। सो दैट इज योर रेजोनेंस, और इसको अगेन हम क्या नाम दे देंगे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। दैट विल बी योर रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग फटाफट से बेटा नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं आपको यहीं पर लिखवा देता हूं। तो देखो, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रेजोनेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, दैट रेजोनेंस इज हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब इसका मतलब यह है कि रियल में कोई ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हम लोग बनाते हैं प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। रियल में रेजोनेंस इज नॉट रियल, इट इज एक्चुअली इमेजिनरी। सेकेंड बात, जो आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो हम लिखेंगे रेजोनेटिंग, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। यहां तक अगर हमें कोई डाउट नहीं हो तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा पोस्टुलेट मैंने आपके सामने ड्रॉ करके बताया है बेंजीन का, कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ 154 होती है, जब कार्बन कार्बन डबल लेंथ होता है तो बॉन्ड लेंथ जो 133 होती है। लेकिन आपके रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में बॉन्ड लेंथ 139 हो गई, जो इंटरमीडिएट है, जो हाइब्रिड है, और इसी वजह से ये आपके मॉलिक्यूल को स्टेबल भी बनाती है और आपके रेजोनेंस की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी कर सकती है। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो गाइज, होपफुली आपको रेजोनेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड डोंट फॉरगेट अनअकैडमी ऐप को, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को डाउनलोड कर लो, और मेरे वीडियोस, मेरे हैंड रिटन नोट्स उस पर आपको मिलने लग जाएंगे। उस पर हम लोग रोज 5 वीडियो अपलोड कर रहे हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। तो यहां पर कंसेप्ट समझो, वहां से नोट्स कॉपी करो। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूं, थोड़ा सा आप मेरे लिए भी कीजिए, ठीक है। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। होपफुली आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाय बाय।